गोवर्धन भारती का हिंदी साहित्य में योगदान विषय पर रविवार को संगोष्ठी का आयोजन कृष्णा रेस्टोरेंट के बैंकवेट हॉल में रखा गया। सुधार सभा की डॉक्टर कमला गोकलानी और समाजसेवी संस्था सुधार सभा अजमेर के अध्यक्ष प्रभु ठारानी ने बताया कि साहित्य अकादमी भारत सरकार मुंबई द्वारा राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर और सुधार सभा अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में गोवर्धन भारती का हिंदी साहित्य में योगदान विषय पर संगोष्ठी की गयी, जिसमें सिंधी भाषा के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यकार सम्मिलित हुए। भारत सरकार जिसने सिंधी भाषा को सिंधी भाषा की संविधान में स्वीकृत होने से पहले ही 56 में सिंधी भाषा को मान्यता दी थी और प्रथम पुरस्कार मिला था, ऐसी भारत की बड़ी संस्था जिसके विश्व में पुस्तक प्रकाशन का रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा, उसकी तरफ से, राजस्थान सिंधी अकादमी की तरफ से और अजमेर के समाजसेवी संस्था सुधार सभा के समन्वित प्रयासों से आज इस स्थान पर अजमेर के रेस्टोरेंट में गोवर्धन भारती पर एक वन डे परिसंवाद आयोजित किया गया है। के हैं, अजमेर के थे, लेकिन वे ग्लोबल पर्सनैलिटी हैं, सारी दुनिया में उनका नाम है। उनको उनकी पुस्तक शीशे जा घर पर राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा सिंधु रत्न और स्वामी सम्मान मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट। उनका कविता, कहानी, निबंध, बाल साहित्य और उपन्यास के क्षेत्र में ज़बरदस्त योगदान है। वे 1957 में टीबी से पीड़ित हो गए थे, जब टीबी लाइलाज। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो, हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।